बाद पुलिस पर भड़की पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, चेताया आगे से ऐसा किया तो होगा एक्शन। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा, भगवत मान का पलटवार, आपने चुने सीएम कैप्टन को, बेइज्जत कर हटाया। कश्मीर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अलर्ट, एजेंसियों ने कुछ जगहों पर जाने से रोका। इटली का मोस्ट वांटेड डॉन 30 साल बाद गिरफ्तार, लोगों ने खुशी में तालियां बजाई। दुबई में एसीसी ऑफिशियल से मिले नजम सेठी, जय शाह से करना चाहते हैं मुलाकात। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। औरैया में राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष प्रवीण भाई टोगड़िया का बजरंगियों ने जोरदार स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने औरैया के प्रसिद्ध शिव मंदिर देवकली पर पूजा अर्चना की। प्रवीण ने अपनी हिंदूवादी उद्देश्य का बखान किया। पत्रकारों के भाजपा का पसमांदा मुस्लिम समाज को रिझाने पर उन्होंने कहा कि वो हमारे भाई हैं, उनके बारे में मैं कुछ कहूंगा नहीं, मैं हिंदुओं की ही सेवा करूंगा, करोड़ों मुझे हिंदुओं की चिंता है, 2024 में हिंदुओं के लिए मैं अच्छा काम करूंगा। को सेवा करने की न रुचि है, न हमें अंतरराष्ट्रीय सेवा करने वाला बनना है, हमें हिंदुओं की सेवा और चिंता करने वाले बनना है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के ट्यूट को लेके जो बात चल रहा है उसको लेके क्या कहेंगे? किसके बारे में? ट्यूट को लेके जो सोशल मीडिया पे ट्विटर पे हैंडल पे जो ट्विटर को लेके जो ट्विटर की है, मुझे ये ट्विटर में किसने क्या लिखा कोई पता नहीं। आपने कहा तब कोई और किसी ने लिखा, तो हर चीज में मुझे कोई बोलना जरूरी नहीं है। अखिलेश यादव द्वारा गंगा जी पर क्रूज यात्रा विरोध किया जा रहा है, इसको लेके क्या कहेंगे? अखिलेश जी को पूछो। जिला कारागार मंत्री स्वतंत्र प्रभार धर्मवीर प्रजापति सोमवार को कानपुर जिला कारागार पहुंचे। जिला कारागार के अंदर उन्होंने कैदियों से संवाद स्थापित करने के बाद कैदियों को कंबल का वितरण किया। उन्होंने बताया कि यूपी में सभी जिलों को विजिट की जा रही है, उसी कड़ी में कानपुर जिला कारागार में विजिट की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि कानपुर जिला कारागार में बंद 5 कैदियों की रिहाई भी कराई गई है। जेलों में हमने 50 जेलों से ज़्यादा दौरा किया है और सर्दी बढ़ने पे बहुत से बंदी ऐसे हैं हर जेल में जिनके परिजन मिलने नहीं आते, कोई मिलने नहीं आता। ऐसे लोगों को हमने पूरे उत्तर प्रदेश में समाजसेवी संस्थाओं के माध्यम से कम्बल शॉल वितरण का कार्यक्रम पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आज यहाँ 1500 लोगों को कम्बल वितरण किए हैं। ये हमारे अमरोहा के गजरौला में स्थित महाराजा अग्रसेन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में टेक्निकल एजुकेशन विजिट का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 150 छात्र छात्राओं ने अपने प्रधानाचार्य के साथ भाग लिया। सभी छात्र छात्राओं ने कैंपस भ्रमण के साथ साथ इंजीनियरिंग एवं फार्मेसी विभाग एवं आईटीआई की प्रयोगशालाओं में तकनीकी शिक्षा के बारे में जानकारी हासिल की। कांग्रेस के डीन प्रशासनिक प्रोफेसर ने छात्र छात्राओं से कहा कि तकनीकी शिक्षा हासिल करके ही अपना भविष्य उज्जवल किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी सुनील शर्मा ने छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन किया एवं समस्त छात्र छात्राओं शिक्षण गणों का आभार व्यक्त किया। खबर गाजियाबाद से है, जहां कवि नगर थाना क्षेत्र के पौश इलाके आरडीसी में एक बीजेपी नेता के रेस्टोरेंट में अवैध तरीके से शराब परोसे जाने और बिना परमिशन लड़कियों द्वारा नाच कार्यक्रम आयोजित किए जाने का मामला सामने आया है, जहां गाजियाबाद पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा बीती रात इस रेस्टोरेंट पर छापेमारी की गई।
छापेमारी में शराब के 7 खाली बोतलें और 2 खुली हुई शराब की भरी हुई बोतलें पुलिस को बरामद हुई हैं। एक फूड कैफे में ये सूचना प्राप्त हुई कि बिना किसी वैध लाइसेंस के शराब आने वाले आगंतुकों को शराब परोसा जा रहा है। उक्त सूचना पर थाना कवीनगर पुलिस द्वारा आबकारी टीम को साथ में लेते हुए चेकिंग की गई तो ये पाया गया कि बिना किसी वैध लाइसेंस के वहाँ पे आने वाले आगंतुकों को शराब परोसा जा रहा था तथा धारा 144 के प्रभावी रहते हुए भी बिना अनुमति के कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। उक्त के संदर्भ में जो मालिक हैं उस परिसर के जो मालिक हैं संयम कोहली उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। खबर चंदौली से है जहां वनवासी बस्ती में भोजन बनाते समय निकली चिंगारी से घर में आग लगने से 4 बकरियों सहित 8 महीने की नवजात शिशु की जलकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना के बाद तत्काल SDM चकिया ज्वाला प्रसाद यादव व क्षेत्र अधिकारी चकिया मौके पर पहुंच गए और आगे की कार्रवाई में जुट गए। पंचायत के एक बैरा जंगल में मौजा है जो शेड्यूल कास्ट की मुसहर बस्ती से 3-4 परिवार बसे हुए थे। खाना बनाते समय जो चिंगारी से आग लगी उसमें सांप झोपड़ी और एक बड़े छोटे बच्चे की दुखद मृत्यु हो गई और 4-5 बकरियां भी जल के मर गई। तो हम लोग जो सरकार के तरफ से व्यवस्था होती है कि आपदा में जिनके घर जल जाते हैं तो उनको उस मदद दी जाएगी बकरियों के मृत्यु का और भूमिहीन है चूँकि तो हम इन्हें आवासीय पट्टा भी करेंगे। फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज के MBBS छात्र की मौत का मामला फिर एक बार से गर्मा गया है। छात्र के परिजन समर्थकों के साथ फिर से न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। तो वहीं विधायक मनीष अजीसा पर न्याय न मिलने देने का आरोप लगाकर मृतक MBBS छात्र शैलेंद्र के परिजन जिला मुख्यालय धरने पर बैठे हैं। धरने में शामिल सैकड़ों महिलाएं पुरुष आरोपियों को जेल भेजने की मांग कर रहे हैं। खबर मैनपुरी से है जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जहां पुलिस द्वारा 20,000 के इनामिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि आरोपी कई महीनों से फरार चल रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा है। आरोपी के पास एक तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद किया गया है। जिसमें ये पिछले एक महीने से यश कुमार उर्फ शिवम है, ये जनपद एटा का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी की गई है और इस पे 20,000 का इनाम रखा गया था और ये हमारे थाना अध्यक्ष विश्वा अमित सिंह और इनकी टीम ने गिरफ्तार किया है। तो आज इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये वांछित तो गैंगस्टर एक्ट में ही इस पे इनाम हुआ था लेकिन ये इस पे पहले लूट के मुकदमे थे और लूट पे इसको गैंगस्टर लगाया गया था। लखीमपुर खीरी के सहकारी बैंक में चोरी की घटना सामने आई है। बैंक की तिजोरी काट कर चोर उसमें रखे 30,00,000 रुपए चुरा कर भाग निकले। कटर वहीं छोड़कर फरार हो गए। तुरंत ही कर्मचारी ने इसकी जानकारी पुलिस बैंक मैनेजर को दी जिसके बाद पुलिस ने बैंक में लगे CCTV कैमरे का DVR कब्जे में ले लिया है। साथ ही डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से सबूत जुटाए जा रहे हैं। शाखा में आज रात चोरों द्वारा खिड़की के रास्ते से प्रवेश करके बैंक में चेस्ट को छेड़छाड़ करके चोरी करने का प्रयास किया गया है। मौके पर निरीक्षण किया गया, टीमें लगी हुई हैं, शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। कानपुर में पनकी थाना क्षेत्र में रेप का मामला सामने आया है। युवती ने इंटर कॉलेज संचालक पर रेप का आरोप लगाया है। पीड़िता इंटर कॉलेज संचालक के घर पर झाड़ू पोछा का काम करती थी तो वहीं पीड़ित युवती ने पनकी थाना में लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही ACP पनकी निशांक शर्मा के आदेश पर इंटर कॉलेज संचालक पर रेप का मुकदमा दर्ज हुआ है और विद्यालय संचालक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया गया है।
उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।